सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। दिस इज साहिल एंड यू आर वाचिंग साहिल। यार, गवर्नमेंट जितना बड़ा धमाका कर सकती थी ना, शायद ये उतना ही बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ऐसा बोला है, फिर ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, शाओमी है, रेडमी है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया के अंदर बैन हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे साफ बोला है कि जो सारे ब्रांड्स हैं जो 12,000 से नीचे के हैं, वो सारे इंडिया के अंदर बैन हो सकते हैं। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो चाइना से रिलेट कर, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्रांड्स बिकते हैं या फिर जो सबसे सस्ते आते हैं, सबसे अच्छे जो ब्रांड्स आते हैं 12,000 के नीचे, वो शायद यही ब्रांड्स हैं, जैसे कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो ब्रांड्स हैं वो शायद यही हैं। आप खुद आपके घर का एग्जांपल लेकर देखिए, अगर कोई आपको फ़ोन लेना होता है तो आप ज़्यादातर ये सोचते हैं कोई फ़ोन हो जो 15,000 के नीचे आराम से मिल जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जब सोचते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि शाओमी का ले लेते हैं, मी का ले लेते हैं, रेडमी का ले लेते हैं, रियलमी का ले लेते हैं। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो बहुत सस्ते अपने जो फ़ोन्स हैं वो इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं, और ऐसा नहीं कि ये जो ब्रांड्स हैं वो ख़राब हैं, जो इनके फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ फ़ोन्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट 20,000 के जो कैमराज हैं उनको डायरेक्ट कम्पीट करते। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला है? देखो, हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो दुनिया की, जो वर्ल्ड की टॉप 10 मोबाइल कंपनीज हैं उनमें से एक भी इंडिया की जो कंपनी है वो एक भी नहीं है। तो इंडियन मोबाइल कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए कि उनके मोबाइल्स भी थोड़ा बिकें, उस वजह से जो ये स्टेप है वो लिया गया है कि जो चाइनीज़ मोबाइल जो इतने ज़्यादा बिक रहे हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए, जो 12,000 के नीचे हैं। इससे क्या होगा, जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो शायद थोड़े पॉपुलर हो जाएं, जो कस्टमर है वो शायद उन ब्रांड्स को फिर प्रेफर करें। ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों में से तो शायद बहुत से लोगों ने इंडियन ब्रांड्स के नाम सुने भी नहीं होंगे। एक माइक्रोमैक्स को शायद आपने सुना होगा, इन्होंने दोबारा कम बैक किया है स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि आईटेल हो गया, जीवी हो गया, और पहले भी एक दो ब्रांड्स आए जो अब तो मतलब दिखते तक नहीं है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो धीरे धीरे करके ख़त्म से हो गए, तो उनको वापस ऊपर लाने की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, इस वजह से ये स्टेप लिया गया है। पर अब बात आती है कि जो ये स्मार्टफोन से इतने कैपेबल भी हैं या नहीं है। यार, अगर मैं अब बताऊँ तो बिल्कुल भी इतना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेसर होता है, जो अभी तक इनमें नैनोमीटर जो यूज़ लिया जा रहा है, जो छोटे छोटे चिप्स यूज़ किए जा रहे हैं, डायरेक्ट सारे इंपोर्ट करवाते हैं, और ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट अगर ये उस तरीके का कुछ लगाते भी हैं तो इनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कितनों के घर के अंदर माइक्रोमैक्स, आईटेल या फिर जीवी ऐसे जो फ़ोन्स हैं वो अवेलेबल होंगे? बहुत कम ऐसे होंगे जिनके घर में कुछ ऐसे जो फ़ोन्स हैं वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि इनका जो मार्केट वो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर उस लेवल की इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिस लेवल की जो चाइना के पास है। तो बेसिकली जो चाइना है उनके पास, उनके खुद के पास जो इंजीनियर्स हैं, जो चिप्स हैं, जो जितने भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके खुद की है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा है, उनकी चेन इतनी ज़्यादा है कि उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उनको ऑनलाइन अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डालने होते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से उनकी जो मार्केटिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। इंडियन ब्रांड्स का क्या है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, ज़्यादातर आपको जो ऑफलाइन है, स्टोर है, उनमें ही वो फ़ोन्स आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो इतने पीछे हैं। तो यार, अब देखना होगा कि जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, अगर ऐसा हो जाता है अगर, तो देखना होगा कि जो कंपनीज़ हैं ये वो आगे बढ़ पाती हैं या नहीं बढ़ पाती हैं। अगर ऐसा हो गया तो मेरे हिसाब से जो अभी भी जो कस्टमर हैं उनको पता है कि कौन से फ़ोन्स, जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे हैं, हालांकि वो चाइना के हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वो फिर प्रेफर करेंगे कि हम 12,000 से 15,000 से जो ऊपर वाले फ़ोन हैं वो शायद थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन अच्छे हैं, तो शायद कस्टमर उनको प्रेफर करें। बाकी आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो फ़ोन्स हैं उनकी सेल होती है। तो यार, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।